सीधी चढ़ाई बेशक जितनी मर्जी हम आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। श्री हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा झरना, क्या ही बात है। और देख सकते हो कुछ इस तरह का माहौल है, और हम वो नीचे से आए हैं अभी। तो गाइस आप चेक कर सकते हो कितने ही प्यारे फूल हैं, और साथ में ये यहाँ पे बेलिया फ्लावर, हर हर महादेव से भक्तों को। तो गाइस आज मेरी हेमकुंड यात्रा का दूसरा दिन है, और शाम को हम गोविंद घाट में ही रुक गए थे, क्योंकि यहाँ से जो हेमकुंड की टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से के बाद ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो अभी हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं, टाइम लगभग 5:30 बज चुके हैं, और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर है। तो आज हम अप डाउन करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस देख सकते हो मेरे आगे कितना ही प्यारा सा व्यू है, और अभी हम चल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो बाकी लोग भी सारे चल रहे हैं, और एकदम सीधी चढ़ाई है ऊपर के लिए, तो जो सांस है वो एकदम से फूल रही है। और गाइस रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, पानी वगैरह सब कुछ खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, देख सकते हो आप। और साथ के नज़ारे आप देख सकते हो, हम इतनी हाइट पे आ गए हैं वो नीचे से, यहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी, यहाँ से गोविंद घाट से, और अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। तो गाइस वहाँ नीचे से आए हम, और देख सकते हो एकदम सीधी चढ़ाई है, और कुछ इस तरह का माहौल है। देख सकते हो यहाँ पे खच्चर, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू सब कुछ अवेलेबल है, आप जैसे मर्जी वैसे आ सकते हो। तो गाइस हम लगभग 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पीछे देख सकते हो कितनी बर्फ पड़ी हुई है, और बहुत ही जो है ये खड़ी चढ़ाई है, तो सच बोलूँ तो टांगों में भी थक लगे, लेकिन बिना रुके चल रहे हैं लगातार। और देख सकते हो कुछ इस तरह का माहौल है, और हम वो नीचे से आए हैं अभी। गाइस आप यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, वो ऊपर से आ रही है, देख सकते हो। तो गाइस आप चेक कर सकते हो कितने ही प्यारे फूल हैं, और साथ में ये यहाँ पे बेलिया फ्लावर। तो गाइस अभी मैं ऐसी जगह पहुँच गया हूँ, यहाँ से एक रूट जो है उस साइड के लिए है, और ऊपर के लिए सीढ़ी है खड़ी, देख सकते हो आप। तो गाइस एक रास्ता जा रहा है सीधा, और एक जा रहा है ऊपर, और आपको पता आपका भाई जाने वाला है सीधा ऊपर, एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन सच वाले तो मजा आने वाला है। देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा झरना, क्या ही बात है। और देख सकते हो लोग जो वो नीचे से आ रहे हैं ऊपर। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो कितना ही प्यारा झरना है, और यहाँ से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, लगातार खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, और वहाँ से है एक शॉर्टकट रास्ता है, और वहाँ से है घोड़े खच्चर के लिए। तो हमने तो आपको पता ही है, हम हमेशा शॉर्टकट ही चूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग हमसे चैलेंज आता है। सीधी चढ़ाई बेशक जितनी मर्जी हम आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हेमकुंड, देख सकते हो ऊपर गेट है, और अभी हम हमें बस थोड़ा सा डिस्टेंस बटा है, 20-30 पौड़ियाँ, उसके बाद पहुँचने वाले हैं हम। तो गाइस ये है श्री हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा, और देख सकते हो आप सामने। तो गाइस ये साहिब गुरुद्वारा, और साथ में ही है ये लक्ष्मण मंदिर, देख सकते हो आप। गुरुद्वारे में गए, उसके बाद अभी हम यहाँ लक्ष्मण मंदिर में आके हमने दर्शन किए, साथ में भम भोले जी का शिवलिंग, यहाँ भी हमने माथा टेका। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री हेमकुंड साहिब, और अभी मैंने स्नान कर लिया, और यह पानी का टेम्परेचर चेक कर सकता हो, कम से कम मैं बोलता -0 तक होगा, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, और मैंने लगातार 7 डुबकियाँ लगा ली हैं। भंडारे के अंदर तो गाइस ये है श्री हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा, देख सकते हो कितना ही प्यारा है, और वहाँ पे है कुंड, वहाँ पे हमने स्नान भी किया था।
देख सकते हो, और इस साइड देख सकते हो आप ये भंडारा। तो गाइज अभी हम दर्शन वगैरह करके अब वापस जा रहे हैं, और टाइम लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो।